हेलो स्टूडेंट्स, द इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायपुरा वाराणसी से मैं मुन्ना सर। आपको इस वीडियो में मूलर्ता के कुछ क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दें, पिछले वीडियो में आपको मूलर्ता के बारे में अध्ययन कराया गया था। तो मूलर्ता आप जान ही रहे हैं, मूलों की संख्या अर्थात एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को ही मूलर्ता कहते हैं। तो इस प्रकार मूलर्ता की परिभाषा और सूत्र हो जाता है आपका, मूलर्ता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार आयतन लीटर में, और उससे संबंधित अन्य जो सूत्र हैं वो सब सारे आपको दिए गए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में स्टूडेंट आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है मूलर्ता से संबंधित। तो यहाँ आइए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आप मान लीजिए एक। तो 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मूलर्ता क्या होगी। स्टूडेंट ध्यान दें, सबसे सिंपल सरल, इससे सरल कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। तो ये सबसे सिंपल सरल क्वेश्चन है कि 20.6 ग्राम आप सोडियम ब्रोमाइड ले लीजिए और उसको 500 ml जल में आप घोल दीजिए। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विलयन की, जो प्राप्त विलयन है उसकी मूलर्ता क्या होगी। तो स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन में ही दिया है कि सोडियम का ये जो परमाणु भार है आपका 23 है और ब्रोमीन का 80 है। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे सॉल्यूशन में कि विलयन की मूलर्ता बराबर सोडियम ब्रोमाइड का भार, मतलब विलेय जो घुल गया है, विलेय सोडियम ब्रोमाइड है तो सोडियम ब्रोमाइड का भार और सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार, फिर बटे में आप देख रहे हैं विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए, सोडियम ब्रोमाइड का भार आपको दिया गया 20.6 ग्राम और सोडियम ब्रोमाइड का अणु भार सोडियम का 23, ब्रोमीन का आपका 80 है तो 103 हो गया। और सोडियम ब्रोमाइड विलयन का आयतन जो है, तो आयतन हमको यहाँ लीटर में लेना है स्टूडेंट। तो यहाँ 500 ml जल क्वेश्चन में आपको है, तो यहाँ 500/1000 कर देंगे तो ये आपका 0.50 लीटर आ जाता है, ये विलयन जो है लीटर में। तो अब आप स्टूडेंट ध्यान दें, सूत्र में आप रखेंगे अतः विलयन की मूलर्ता, मूलर्ता क्या होते हैं, विलेय का भार बटे अणु भार आयतन लीटर। तो विलेय का भार 20.6 है और अणु भार 103 है और यहाँ 0.5 रखा गया है विलयन का आयतन, तो आंसर आपका आ जाता है 0.4 mol/L। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जो आपका मूलर्ता से था। आगे स्टूडेंट ध्यान दें, दूसरा का क्वेश्चन आपको इसे आप मानिए क्वेश्चन नंबर दो। तो 500 ml 0.01 m का मतलब मूलर्ता 0.0 m मूलर्ता सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट को घोलना पड़ेगा। स्टूडेंट ध्यान दें, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हमको विलयन बनाना है जिसकी मूलर्ता 0.01 है और वह विलयन 500 ml है। तो कह रहा है कितना हम सोडियम कार्बोनेट उसमें डाल दें, ये आपसे पूछा जा रहा है। सोडियम कार्बोनेट का भार कि कितने ग्राम हम सोडियम कार्बोनेट डाल दें कि ऐसा विलयन बन जाए जिसकी मूलर्ता 0.01 है और वो 500 ml विलयन है। तो स्टूडेंट यहाँ दें, देखिए आप सॉल्यूशन, विलयन की मूलर्ता बराबर सोडियम कार्बोनेट का भार सोडियम कार्बोनेट का अणु भार फिर विलयन का आयतन लीटर में, जो आपको परिभाषा दिया गया। यहाँ देखें सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा आप मान लीजिए कि W ग्राम है, हमको इतना ग्राम आवश्यक है कि इतना ग्राम पदार्थ होता तो हम इसे कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणु भार जो सूत्र को सूत्र के लिए चाहिए, तो सोडियम कार्बोनेट का अणु भार सोडियम 2 है तो 2 × 23, एक सोडियम का 23 है तो 2 का आप गुणा किया गया है। फिर कार्बन है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का 16 है तो यहाँ 3 × 16 गया, टोटल 106। सोडियम कार्बोनेट कारु भार जो है स्टूडेंट वो 106 है। फिर आपका देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट विलयन का आयतन 500 ml बनाना है, इसे लीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 500/1000 ये आपका आ जाता है फिर 0.50 liter। आगे आप देखें विलयन की मूलर्ता आपको दिया है 0.01। अब सूत्र में अगर हमको रखना है आवश्यक मात्रा, तो सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा तो यहाँ से लेंगे तो ये त्रिया गुणा कर देंगे सबका, ये सोडियम कार्बोनेट का भार बराबर ये तीनों के गुणे हो जाएंगे। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा W बराबर
ये मोलरता रख दिया गया है 0.01, और ये अणु भार है और ये का आयतन लीटर है, और आंसर आपको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.53 ग्राम। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको जो दूसरा क्वेश्चन अभी बताया गया इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन है। लेकिन अगला क्वेश्चन आपको अभी बताया जा रहा है तो आप देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, आप इसे मान लें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ देखिए 0.2 m H2SO4 विलयन की नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ध्यान दें 0.2 m H2SO4 विलयन की नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखे स्टूडेंट ध्यान दें, ए मोलरता, यम आप जानते हैं मोलरता है, मोलरता और यहाँ नॉर्मलता पूछ रहा है। तो मोलरता और नॉर्मलता में आपको संबंध पिछले वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ आपको है विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता बराबर यन। तो यन क्या है? क्षारकता। अगर अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता, क्षार है तो अम्लता। H2SO4 की क्षारकता यन बराबर क्या रखते हैं? 2। क्यों H2SO4 का 2 है? क्योंकि ये हाइड्रोजन 2 की संख्या में क्या करता है? निकालता है। ठीक, तो ये आपका है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्षारकता 2 है, तो जब आप रखेंगे विलयन की नॉर्मलता सूत्र में तो मोलरता आपका दिया ही है, उसमें गुणा करेंगे तो आप अतः H2SO4 विलयन की नॉर्मलता पूछा जा रहा है। तो मोलरता इंटू यन, मोलरता आपको पता ही है 0.2 और नॉर्मल क्षारकता 2 है तो गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। तुल्यांक क्यों? क्योंकि नॉर्मलता की यूनिट है तुल्यांक। अब इसी क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आगे आपको बताया गया था कि सांद्रता ज्ञात करना, तो विलयन की सांद्रता जो है ग्राम प्रति लीटर में, स्टूडेंट ध्यान दें सांद्रता जो होता है सूत्र, सांद्रता निकालने के लिए मोलरता इंटू पदार्थ का अणु भार। यहाँ स्टूडेंट मोलरता हमको पता ही है 0.2 क्वेश्चन में दिया गया है ऊपर, और आपका जो पदार्थ का अणु भार है वो 98 है, तो टोटल आ जाएगा आपको 19.6 ग्राम प्रति लीटर जब आप इसे हल करेंगे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपके लिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, H2SO4 के 20% भार से विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ध्यान दें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर वाला जो बताया गया वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा सा आपको ट्विस्ट मिलेगा। तो H2SO4 के 20% भार से विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब विलयन का घनत्व दिया है 1.1394 ग्राम पर एमएल, हाइड्रोजन का यहाँ दिया है 1 है, उभार ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32 जो आप जानते हैं। तो इसको ध्यान से देखें, मोलरता आपको ज्ञात करना है, मोलरता निकालने के लिए विलय का भार चाहिए, विलय का भार यहाँ 20 आप भार से है तो 20 ग्राम हो गया, अणु भार आपको मिल जाएगा, आयतन आपको निकालना है। H2SO4 का जो भार है 20 ग्राम, अणु भार जो है वो भी आपको निकाल लेंगे जोड़कर। अब यहाँ हमको क्या चाहिए? आयतन लीटर में, जो कि आयतन निकालने के लिए यहाँ घनत्व दिया है। तो घनत्व और आयतन में क्या संबंध है आगे आपको बताया जा रहा है कि कैसे निकल रहा है। तो ये आपका है, यहाँ आप सॉल्यूशन में देखेंगे H2SO4 विलयन की मोलरता, H2SO4 विलयन की मोलरता जो है कैसे निकलती है? H2SO4 का भार, H2SO4 का अणु भार, विलयन का आयतन लीटर में। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ आपको H2SO4 के 100 ग्राम विलयन में उपस्थित H2SO4 का भार 20 ग्राम है, H2SO4 का अणु भार 98 है, दो चीज़ हमको मिल गया, आयतन हमको सिर्फ चाहिए कि आयतन के H2SO4 के 100 ग्राम विलयन का ml में आयतन, तो विलयन का भार बटे विलयन का आयतन, सॉरी घनत्व। यहाँ देखिए स्टूडेंट, आयतन और घनत्व में क्या संबंध बन रहा है कि आयतन अगर हमको निकालना है तो भार बटे घनत्व किसी भी चीज़ का। तो यहाँ कह रहा है कि H2SO4 के 100 ग्राम विलयन का ml में आयतन, तो विलयन का भार बटे विलयन का घनत्व,
बिलियन का भार टोटल 100 ग्राम है। 100 ग्राम क्यों लिए हैं? क्योंकि वो 20% भार आंसर प्रतिशत में है, तो यहाँ 100 ग्राम ही लिया जाएगा क्योंकि प्रतिशतता 100 पर होती है। 100 ग्राम घनत्व तो उसका कितना दिया? 1.1394। टोटल ये ml में आ गया क्योंकि यहाँ ये आपका 1.1394 जो है ग्राम प्रति ml है, तो आंसर आपका यहाँ पर आएगा ml में कितना आ रहा है? 87.76 ml। अब इससे में इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि मोलरता जो आयतन यहाँ पर दिया गया वो लीटर में, तो यहाँ इसे 10^-3 का गुणा करके लीटर में कन्वर्ट कर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको रख दीजिए, मोलरता बराबर विलेय का भार 20 ग्राम, अणु भार 98 ग्राम, आयतन लीटर में, तो यही आयतन जो लीटर में आप निकाले हैं कितना? 87.76 × 10^-3 रखकर हल करेंगे तो आपको मोलरता आ जाएगा 2.32 मोल प्रति लीटर। ये आपका स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम आपको और सवाल बताएंगे कराएंगे जैसे।